आ गए आप लोग, स्वागत है आपके एसएसए मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। तो आज का जादू सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूं कि मेरे पास एक नारियल है, आप लोग यहां पे देख सकते हो, नारियल एकदम अखा नारियल है, कोई फोड़ा हुआ नहीं है, कहीं से भी ये नारियल फूटा हुआ नहीं है, ठीक है। और यहां पे मेरे पास है पानी का एक गिलास। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं तांत्रिक क्रिया। जी हाँ, अपनी सिद्धियों से जो है, अपनी शक्तियों से हम इस नारियल पे जो है जादू करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहें, फिर ही आपको पता चलेगा जादू क्या होने वाला है। सबसे पहले पानी का गिलास मेरे हाथ पे देख लो, एकदम नॉर्मल गिलास है, नॉर्मल पानी है, आपको पी के भी दिखा देता हूं। यहां पे आप लोगों ने देखा मैंने पानी को पिया भी, यानी कि पानी एकदम नॉर्मल है, ठीक है। अब हमारे पास नारियल है जो कि एकदम नॉर्मल है, नारियल भी एकदम नॉर्मल है, इस पर कोई भी फूटा हुआ या टूटा हुआ नारियल ये बिल्कुल भी नहीं है। अब मैजिक क्या होने वाले दोस्तों, अभी मैजिक करने वाले हैं इस पर हम लोग। इस पर जो है अपनी सिद्धियों से, तांत्रिक क्रियाओं से और अपनी शक्तियों से जो है आग लगाने वाले हैं। जी हाँ, इस पर आग जलाने वाले हैं, अपनी सिद्ध की हुई जो हमारी तंत्र शक्तियाँ हैं उनसे हम इस नारियल पर आग लगाने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। और हम क्या करेंगे, इन खाली हाथों से जो है इस नारियल पे आग लगाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने नारियल हाथों पे ले चुका हूँ, अब क्या करेंगे, या तो टेबल पे भी रख सकता हूँ, हाथ पे भी ले सकता हूँ, तो मैं हाथ पे ले लेता हूँ। और इस पे जो पानी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो नॉर्मल पानी था जो मैंने पी के भी दिखाया आप लोगों को, उसको जो है यहाँ पे डाल देते हैं। ओम नमो फट स्वाहा, इस पे मंत्र शक्तियां जो है अपनी आमंत्रित करते हैं, आह्वान करते हैं अपनी काली शक्तियों को और इस पे आग लगाते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय भ्यो नमो नमः, थोड़ा पानी का छिड़काव इस पे करते हैं दोस्तों। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय भ्यो नमो नमः। तो दोस्तों यहाँ पे देखा आप लोगों ने, हमारी जादुई शक्ति जो है, तांत्रिक शक्तियों ने काम किया और इस नारियल पे जो है आप लोगों के सामने जो है आग लगी। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हमने अपनी काले जादू से, अपनी तांत्रिक क्रियाओं से जो है इस नारियल को जला दिया था अपने हाथ पे, वो भी पानी डालते ही इस पे आग जल गई थी। जी हाँ, तो आपको कैसा लगा ये जादू हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं ऐसी कमाल के तांत्रिक मैजिक या काले जादू, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए बिना के आपको बोर शुरू करते हैं इस मैजिक ट्रिक का स्टोर। इस मैजिक को करने के लिए, ऐसे कोई भी तांत्रिक टाइप के मैजिक करने के लिए, सबसे पहले आपको चाहिए सोडियम मेटल। जी हाँ, सोडियम मेटल, इसका क्या करने हो आगे बताऊंगा, बने रहें वीडियो पे। ऊपर से आपको चाहिए एक नारियल, यहाँ पे देख सकते हो नारियल चाहिए जो कि एकदम सूखा हो, मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा, पर एकदम सूखा नारियल लेना है, इसमें पानी की कोई मात्रा बाहर से ना हो, अंदर से तो पानी रहेगा ही ऑफकोर्स। और ऊपर दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए, एक चाकू और पानी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी सेफ्टी के लिए आपको चाहिए सर्जिकल ग्लव्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस मैजिक के करने के लिए, ठीक है। अगर ये नहीं पहनोगे तो आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो आप रिस्क ना लें, ग्लव्स जरूर से जरूर सेफ्टी के लिए आप पहने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस सोडियम मेटल लेना है, ठीक है। ये एक प्रकार का मेटल है जो कि आसानी से कट जाता है, एक प्रकार केमिकल है। इसकी खास बात आपको बता दूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्लव्स पहनने के लिए मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि अगर आप इसे नंगे हाथों से पकड़ोगे तो आपके हाथों में नमी होती है और वो नमी होने के कारण ये पानी के साथ रिएक्ट करता है और आग को पैदा करता है। तो अगर आप इसे नंगे हाथों से पकड़ोगे, आप ये अगर मैं हाथ से पकड़ूंगा तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे नंगे हाथों से पकड़ूंगा तो मेरे हाथों में नमी होगी और उसके कारण जो है ये आग पकड़ सकता है। तो इसको क्या करना है, आपको चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, छोटे से पीस। अब आपको बता देता हूँ कितने छोटे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके भी रखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास जो है, मैंने ऑलरेडी सोडियम मेटल के जो है छोटे छोटे पीस करके रखे हैं। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये देख लो, छोटा सा पीस मैंने सोडियम मेटल का किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जो आप मार्केट से सूखा नारियल लोगे, गीला मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप गीले पर रखोगे तो आपको मैजिक जो है फील हो जाएगा, क्योंकि अगर गीला रखोगे ये सोडियम मेटल, अगर गीले नारियल में डालोगे तो उसी समय आग को पकड़ लेगा और आपको मैजिक नहीं दिखा पाएंगे। तो सूखा नारियल लेंगे और इसको जो इस प्रकार से इसके अंदर रख देंगे, जो इसकी घास फूस होती है ना नारियल की, इसमें छुपाने के लिए ये आसान हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से छुपा देना है, ठीक है। यहाँ पर छुप गया है, अब किसी को भी ये नहीं दिखेगा कि इसके अंदर किसी प्रकार का केमिकल या सोडियम मेटल इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस नारियल को आप हाथ पे भी ले सकते हैं, पर हाथ पे लेने में थोड़ा रिस्क है, अगर इसके जो चिंगारी होती है वो हाथ आपके हाथ पे गिर सकती है, तो इससे अच्छा ऐसे टेबल पे रखें। और टेबल पे रखने के बाद इस पर मैजिक करें,
अब लोगों को बोलें कि इस पे हम पानी से जो है आग जलाने वाले हैं, बल्कि आपने पहले से ही तो सोडियम मेटल वहाँ पे, इस सोडियम मेटल यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप वो मैजिक से नहीं, आप वो केमिकल से रिएक्ट करवा रहे हो या एक साइंस के ट्रिक से जो इस पे आग लगा रहे हो, पर लोगों को लगेगा कि वाकई भाई हम जो हैं पानी से आग लगाने वाले हैं। तो नॉर्मल पानी लेना है, आप पी के भी दिखा सकते हैं, उसके बाद जो है ऐसे पानी लेके इस पे ऐसे डालना है, और आप कुछ भी झूठे मूठे मंत्र कुछ भी आप उच्चारण कर सकते हैं, और जैसे ही आप ऐसे इस प्रकार से डालोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो धुआं आना स्टार्ट हो गया है और इस पे आग लग जाएगी। ठीक है, ऐसे डालते रहें आप और ऐसे मैजिक करें, गिली 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 छू, और यहाँ पे लगेगा कि हाँ वास्तव में जो है यहाँ पे नारियल में हमारे पानी डालने से, मैजिक करने से, तंत्र क्रियाएं करने से जो है आग लग गई है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो गांव गली में ढोंगी पखंडी बाबा आते हैं इसी प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लूट के चले जाते हैं। तो यही मेरा मकसद था कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि कैसे जो है नारियल में ढोंगी बाबा लोग जो है आग लगा देते हैं अपनी तंत्र क्रियाओं से, बल्कि वो तंत्र क्रियाएँ नहीं होती है, बस कुछ साइंस के ट्रिक, साइंस के केमिकल होते हैं जिस वजह से जो वहाँ पर आग लग जाती है। बस आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और हाँ ग्लव्स पहनना ना भूलें, अगर ये मैजिक का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ग्लव्स जरूर से ज़रूर पहने, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके ही हाथ में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट मज़ेदार मैजिक ट्रिक की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।